नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। उपखंड कार्यालय फिलहाल कोटड़ा पर धरना प्रदर्शन हो रहा था। भूजा और चकसान मारिया बांध को लेकर आइए यहाँ पर जनप्रतिनिधि उन लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्ते, में प्रस्तावित बांध क्या नाम है? भूजा कर्नाटका ग्राम पंचायत कोटरमाल का रहने वाला हूँ। मैं देख सकते हैं लोगों की भीड़, ये जो है दोपहर 1 बजे का नजारा है 20 सितंबर 2022 का। आगे की अपडेट फिर मैं आपको दूंगा, इसी तरह बने रहिए आपके अपने दोस्त के साथ। हम अनिश्चितकालीन धरने के तौर पे आए थे क्योंकि पहले हमने कई प्रकार के ज्ञापन दिए इस बांध से संबंधित, भूजा बांध और चकसान मारिया दोनों ही बांधों की घोषणा हुई तब से हम ज्ञापन देते हुए आए हैं। लेकिन निरस्त कराने के लिए जो हमने ज्ञापन दिए, सरकार ने अभी तक हमें कोई ज्ञापन का जवाब नहीं मिलने के कारण हमने 9 तारीख को यहाँ पर SDO कार्यालय पर आकर के एक ज्ञापन दिया था कि अगर 20 तारीख के बीच में बांध निरस्त करने की कोई हमारे पास में घोषणा नहीं आती है तो 20 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना देंगे। तो उस उपलक्ष में आज हम एकत्रित होकर के अनिश्चितकालीन धरने के तौर पे यहाँ पर आए, लेकिन प्रशासन के द्वारा हमें कुछ जनप्रतिनिधियों को ऑफिस में बुला करके कमेटियाँ बनाने के लिए हमें पाबंद किया गया। और कमेटियाँ बनाने का कारण हमने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि जो कमेटी निर्णय करेगी वही राज्य सरकार को हम यहाँ से रिपोर्ट भेजेंगे, तभी डिसीजन होगा कि बांध कैंसिल होगा या फिर बनेगा। तो हमने फिर एक बात और रखी है कि ठीक है, कमेटियों के माध्यम से तुम अगर जो जवाब लेना है वो ले लो, लेकिन बांध नहीं बनने देंगे। इस प्रकार से हमने अंदर जो बात हुई, इसके बाद में फिर हमने धरना स्थगित किया है। और स्थगित करने के बाद में जो हमने तारीख दी है 1 तारीख को कमेटियाँ बनाने का, तो कमेटियाँ बनाने के जो चुनिंदा जो जनप्रतिनिधि हैं वो तामील करेंगे, और तामील करने के बाद में यहाँ आके उस कमेटी में हिस्सा लेंगे और जो भी बात है वो उस दिन रखेंगे वो लोग जी। और जैसा कि जो वार्तालाप हो रही थी वहाँ पर मैं भी उपस्थित था, मैंने सुना कि गांव के केवल 11 नाम बताए जा रहे हैं, जबकि जो कुछ PDF वायरल हो रही थी उसमें 23 और 10 9 पंचायत जा रही थी, तो ये कितनी सच्चाई आपको लग रही है? ये सच्चाई तो मुझे यूँ लग रहा है कि अगर डूब जा रहे कम गाँव जाएंगे। एक दिन इससे पहले पंचायत समिति सभागार में भी मीटिंग हुई थी, उस समय हमें कुछ गाँवों के नाम और भी बताए थे जो आज इन्होंने हमें जो उनमें से जैसे कुछ गांवों के नाम नहीं आए हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है वो तो ये प्रशासन जाने। लेकिन उसकी जो डैम की जो ऊंचाई जो है भूजा जो डैम की 38 मीटर पॉइंट में कोई है, अगर उसको फीट में अगर अपन निकालते हैं तो 120 के आस करीबन फीट है, तो 120 फीट अगर डैम की जो पाल बनती है तो भराव क्षमता तो बहुत ही अधिक रहने की संभावना है। उसको देखते हुए तो कुकावास है और भी खापा है, और भी पानी फैल सकता है, उससे डूब क्षेत्र में बहुत ही अधिक संख्या में लोग विस्थापित हो सकते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है, कैसे प्रशासन के साथ? हमने तो यही रणनीति बनाई है कि एक सरकार का भी हमको मानना जरूरी है, प्रशासन का सॉरी। तो प्रशासन ने हमें बताया है कि 1 तारीख को आप कमेटियों के जो मेंबर हैं उनको तामील किया जाएगा, इसके बाद में आप यहाँ पे बुलाए जाएंगे। और उस दिन अगर बुलाते हैं तो हम तो इससे पहले गांवों में मीटिंग ले लेंगे, और मीटिंग लेने के बाद में जो हमें क्या करना है, इस बांध को निरस्त करना है, वही हम उनको बता करके फिर भेजेंगे। तो वो यही वही बात करेंगे, हमें डैम चाहिए ही नहीं, चाहिए तो इनके मारवाड़ में अशोक गहलोत बनाए। उससे पहले ही हरि के पेरा जी को बांध बना करके इंदिरा गांधी नहर ले गए हैं 649 किलोमीटर के क्षेत्र में, मारवाड़ में इंदिरा गांधी नहर फैल रही है, उससे उनकी खेती हो रही है। अगर उस पानी से अगर इनको और ज़रूरत है, उस पानी से उनकी प्यास नहीं बुझती है, तो हमारे यहाँ पे पूर्व में जो बांध बने हुए हैं उन बांधों का पानी ले जाए। बार बार कोटड़ा की जनता का पानी ले जाने की जरूरत कहाँ है? बार बार ये कोटड़ा की जनता के यहाँ पे बांध बना के विस्थापित क्यों करने देंगे? हम सरकार जो है, जो सरकार है, सरकार तो लोगों की सरकार है, अपनी मर्जी से इनको अपना काम थोड़ी करने देंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ राजू भाई है। राजू भाई, आपको क्या लगता है कैसे मतलब आप लोग बांध को रोकेंगे आपके क्षेत्र में आने से? देखो, अभी तक तो हमारे समाज के लोगों को हमने गांव-गांव जाके मीटिंगें करी है, लेकिन गांव के जो लोगों का संदेश है कि एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के खौफ है। जो केंद्र सरकार ने, जो राज्य सरकार ने जो बांधों की घोषणा करी है, उस दिन से लोगों में खौफ है कि पहले से हमारे 14-15 बांध बने हुए हैं, तो लोगों में डर है कि कहीं ना कहीं हम बांधों के विरोध में अगर मीटिंगों में जाएंगे तो लोगों को पकड़ के ले जाएंगे, वही डर है लोगों का। हम जो धीरे धीरे स्टेप बाय गांव बाय मीटिंगें करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि कोई पकड़ के नहीं ले जाएगा, इस देश का मूल मालिक आदिवासी है,
और मूल नेटिव है और जो संविधान में मूल अधिकार दे रखा है, जो पैसा एक्ट कानून की बात हमारे पूर्व में प्रधान साहब ने बात करी थी, उस पैसा एक्ट कानून के तहत हम आगे की लड़ाई जारी रखेंगे। और आप बहुत सारे गांव के लोगों को क्या कहना चाहते हैं, कैसे इतनी सारी पंचायत में जो गांव जा रहे हैं कैसे लोग एक होंगे तो रुकेगा? देखो लोगों को तो यही हमने कई बार संदेश दिया लेकिन लोग अभी तक घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायत के जो 66 पंचायत हैं, आज ये जो हमारे जो 10 पंचायतें डूबने जा रही है, तो कोटा ब्लॉक में तो 66 पंचायत हैं। जो दूसरे लोगों के भी हमें जो जनप्रतिनिधि दूसरे पंचायतों के लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई आज तो हम डूब रहे हैं, कल ये आप भी डूबोगे, क्योंकि 4 बांध हैं, एक बिलवन का है, एक ये बड़ी नदी ये जो उसको क्या कहते हैं वागल नदी पे भी है। तो ये समझ रहे हैं, दूसरे जनप्रतिनिधि समझ रहे हैं कि ये मांडवा वाले, ये जेड कुकावास वाले और कोदरमाल वाले यही डूब रहे हैं, साठ मारिया वाले। लेकिन इन जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये पूरा कोटा ब्लॉक में पहले से बांध बने हुए हैं, हम सख्त विरोध करते हैं, ये बांध नहीं बनने देंगे किसी भी सूरत में। पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक और स्थानीय व्यक्ति, उनसे बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? रतराम जी। गांव का नाम? आंजनी। आंजनी। तो आप आज इस धरने में आए थे, क्यों आए थे? यहाँ पे आए थे, आज कोई डैम निरस्त करवाने के लिए आए थे, हम यहाँ ही रहेंगे या डैम निरस्त करने के लिए, ऐसा कोई हमने मतलब कमेटी बनाई थी। लेकिन आज सब सरपंच और नेताओं ने आज कोई सरकार का निर्णय लिया है कि 1 तारीख को मीटिंग रखनी है, 1 तारीख को डैम का मतलब बातचीत करेंगे, ग्राम सभा की मीटिंग रखेंगे और इसमें निरस्त किया जाएगा। वैसे मैं तो कहता हूँ कि ये डैम हमारे को सही नहीं, क्योंकि छोटे छोटे बहुत बच्चे इसमें कितने सारे गांव जा रहे हैं और ऐसी आदिवासियों की पब्लिक है, वैसे बाजार में तो रहेंगे नहीं, नहीं तो मजदूरी नहीं करेंगे, खेती करने वाले आदमी हैं हम, तो ये डैम हमारे को नहीं सही है। विनर जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कोटा टाइम्स को। और एक और भाई कुछ कहना चाहते हैं, बोलो। विनर जी, मेरा हीरालाल बुमरिया नाम है, कुकावास का रहने वाला हूँ, कि मैं ये चाहता हूँ कि 1.5 लाख पब्लिक के विस्थापित हो रही है, तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे कुएं, जमीन और जायदाद यहाँ की ये दरी रह जाएगी और मैं हम बाल बच्चों को कहाँ लेके जा जाएंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि हम कहाँ का कागज बीनेंगे, कहाँ हम झोपड़ियाँ बनाएंगे, और हमारा ये सारा समाज का जो कटाव है गे वो कट जाएगा और हम किसी भाई से मिल नहीं पाएंगे, और हम एक दूसरे से मिलने में भी हमको बहुत बहुत दूरी लगेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मतलब हमको कोई सरकार हमको जमीन देगी, हमको खाली है कि हमको धोखा देने की बात चल रही है, और हमको अगर कोई हमारे को अगर सरकार हमको पैसा भी देती है तो कोई बाइकल ले लेगा, कोई बाइकल लेगा और कोई अपने कोई साधन कर लेगा, इसके बाद में हम जमीन खरीद नहीं सकेंगे, कोई कुआं नहीं बना सकेंगे और घर नहीं बना सकेंगे, हम विस्थापित रह जाएंगे और हमारे बाल बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे।